तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। अगर आप एक गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो तो सीखो, लेकिन उससे पहले एक काम ज़रूर आना चाहिए। पहले तो आप गाड़ी को साफ़ करना सीखो अच्छे से, या टायर पंचर हो गया तो उसको बदलना, ऐसे छोटे मोटे काम आपको आने चाहिए। तो चलिए उनमें से एक काम आज हम आपको बताते हैं। तो आज हमारी इस गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो गया है। अब आपको हवा से तो नहीं लग रहा होगा कि ये पंचर है, लेकिन हाँ ये पंचर है टायर। अब पंचर को सही करने के लिए इसको खोल कर पंचर वाले के पास ले जाना होगा, और ले जाने के लिए अब गाड़ी का यूज़ होगा तो आपकी स्टेपनी को जला कर इसमें लगाना होगा। तो सबसे पहला नियम यह है कि टायर खोलने से पहले आगे वाले टायर्स के नीचे पत्थर लगा दो या फिर गाड़ी के हैंड ब्रेक को चढ़ा दो। आप दो चीज़ कर सकते हो। अब हैंड ब्रेक तो मैंने चढ़ाया नहीं, इसमें पत्थर लगा दिए था। गाड़ी के जो जैक है उस पर भी वार्निंग लिखी हुई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा सबसे पहले। अब पत्थर लगा देने के बाद गाड़ी के टायर जो है वो ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। किसी पाने की मदद से आप गाड़ी के बोल्ट को लूज़ कर दीजिए। पूरा नहीं निकालना है, सबसे पहले इस गाड़ी के बोल्ट को लूज़ करना है। अब लूज़ कर देने के बाद में क्या करना है कि सभी बोल्ट को लूज़ कर दिया, अब जैक को तैयार रखिए। जैक तैयार हो जाने के बाद में आपको जैक की सही से प्लेसमेंट करनी है। अब सही प्लेसमेंट इस गाड़ी के सस्पेंशन के नीचे दी रखी है, उसको सही से कर दिया। अब दूसरी गाड़ियों में बहुत अलग अलग जगह पर आती है, किसी गाड़ी पर सस्पेंशन के नीचे आती है तो किसी गाड़ी पर बॉडी के नीचे अलग से प्लेस बनी होती है, वहाँ पर आप जैक को चढ़ा सकते हो। हर गाड़ी में अलग अलग आती है, आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से इसको चढ़ाना होगा। गलत जगह पर चढ़ाया तो गाड़ी पर डेंट लगने के चांसेस हैं, साथ ही में गाड़ी अगर बिना व्हील के खड़ी है तो जैक को वापस नीचे गिरने के भी चांसेस है, और बॉडी सीधा नीचे आ जाएगी एक साथ में, और शायद से वो भारी नुकसान भी हो सकता है आपके ब्रेक कैलिपर्स को और सस्पेंशन को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। जैक चढ़ाने देने के बाद में अब ध्यान ये रखना है कि टायर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए जगह से, जिससे पिछले वाला जो टायर है उसमें हवा ज़्यादा होगी तो वो भी एरिया इसमें कवर हो सके इतना। तो अब वापस से बोल्ट पूरी तरह से निकाल लो और टायर निकाल लो, बस इतना ही करना है। अबे अंदर देख लो, ये डिफरेंशियल है, और डिफरेंशियल के साथ में ये पूरा सिस्टम देख लो। इसमें थोड़ी पैकिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी ठीक करवा दी गई है। साथ ही में इसकी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देख लो, ये ऐसे होते हैं। बाद में ये शाफ्ट दिख रही होगी आपको, शाफ्ट पे देख लो, इस पर पावर आती है और बाद में इसको व्हील को मिलती है पावर। ये इसका शॉकर कहलाता है। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद में अब आपको गाड़ी की स्टेपनी को लाना होगा। अब स्टेपनी हर जगह अलग अलग जगह पर होती है। अब हमारी गाड़ी में ये पीछे वाले दरवाजे पर लगी है, आपकी गाड़ी में डिक्की के नीचे हो सकती है या फिर गाड़ी के नीचे हो सकती है, किसी एसयूवी में ऐसा होता है। तो आपको कैसे भी कर अपनी स्टेपनी निकालनी होगी, और स्टेपनी अगर गाड़ी में नहीं है तो आपको जाना होगा पंचर वाले के पास में, क्योंकि पंचर तो आपको शायद से बनाना आता होगा। अगर टायर खोलना मेरे से सीख रहे हो तो पंचर थोड़ी बनाना आता होगा, या फिर आता भी होगा। तो कुल मिला के दूसरा टायर ले आऊँ, और दूसरा टायर ले आने के बाद मैं अब उस टायर को वापस से क्या करना है कि पहले तो उसकी प्लेसमेंट कर देनी है सही से। अब इसके बोल्ट को लगाने की भी थोड़ी डायरेक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने जो बोल्ट लगाया उसके जस्ट अपोजिट वाला जो बोल्ट होता है या फिर स्ट्रेट लाइन में जो बोल्ट होता है उसको लगाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि पूरे तरह से वो बैठ जाएगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा नहीं बैठे या फिर सटक नहीं जाए, ऐसे बोलते हैं उसमें, सटके नहीं वो, ऐसा भी हो जाए। तो आमने सामने वाले बोल्ट सबसे पहले लगाने हैं, फिर ऐसे ही करके सारे बोल्ट लगा देने के बाद में आप पूरा टाइट ना करना है, मतलब जितना हो सके उतना ही टाइट करना है। बाकी हमको पूरा जोर लगा के अभी टाइट नहीं करना है, क्योंकि गाड़ी अभी जैक पर चढ़ी हुई है इसलिए। फिर पूरे बोल्ट टाइट हो जाने के बाद में हमको गाड़ी के जैक को उतार देना है। अब उस पाने को लेकर उसमें एक एक्सटेंशन होता है, उसको डालना पड़ेगा, उसको हम डामी बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि गाड़ी में कम जोर के साथ में वो बोल्ट जो होगा वो अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। आपने ये अपनी फिजिक्स की क्लास में पढ़ा होगा कि सेंटर से जितनी भी ज़्यादा दूरी तक प्रेशर लगाया जाता है या फिर फोर्स लगाया जाता है तो उसका टॉर्क उतना ही ज़्यादा लगता है। तो ये पेचकस के मामले में भी होता है, क्योंकि बड़े पेचकस से कोई भी स्क्रू खोलते हैं तो वो जल्दी खुल जाता है, वो वाला मैकेनिज्म यहाँ पर काम में लिया गया है। तो इतनी चीज़ हो जाने के बाद में अब समझ गए होंगे। तो हाँ, अब वापस से अपने सामान को समेट दीजिए और गाड़ी के अंदर रख दीजिए। कहने में तो ये 5 मिनट का है, लेकिन हाँ इस पर टाइम लग सकता है, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। तो बोलने का तरीका अच्छा, अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, कमेंट में गाली दे देते हैं मेरे को। तो हाँ, बस इतना ही था आज के वीडियो में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब किए ना जाना। और हाँ, मेरे को एक बात बताओ, 98% लोग है कौन जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो तुम भी कर दो यार सब्सक्राइब भाई।